बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 15, जिसमें इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह है। EFG आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। ई रिटायर ऑन 31/3/2017। बैलेंस शीट ऑफ अ फॉर्म ऑन दैट डेट वाज एज अंडर। EFG का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, फ्री होल्ड एसेट, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर एंड कैश। यहाँ तक में आप बोलोगे सर एक गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो ध्यान में रखना है। और अभी आगे चलते हैं, फॉलोइंग टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट एट डिसाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर। आप बोलोगे सर यहाँ पे वो एक लाइन पढ़नी बाकी रह गई, द बैलेंस शीट ऑफ अ फॉर्म ऑन दैट अंडर। तो आप बोलोगे सर इस बार जो है ई जो है वो आपको ध्यान में रखना है, रिटायर हो रहा है। मतलब आप बोलोगे सर फर्स्ट पार्टनर जो है वो रिटायर हो रहा है, तो वो हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। तो वो आपको क्लियर क्या करना है कि जो ई है वो हमें पेमेंट करना है सबसे पहले। ई का मतलब वो तो बात का है, लेकिन ई को अब रिटायर हो रहा है। तो पहला पॉइंट है गुडविल ऑफ अ फॉर्म वैल्यू ₹7,000, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इज 7,000, फर्नीचर इज 2,000 डिसाइडेड, स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय 10% एंड 5,000 पे टू इमीजिएटली एंड द बैलेंस ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। अभी बोल रहे बच्चों कि 5,000 आपको इमीजिएटली पे करना पड़ेगा, बाकी का लोन में आप ट्रांसफर कर देना। आगे पढ़ते हैं, FNG विल ब्रिंग नेसेसरी कैश टू इक्वल टू प्रपोजन ऑफ कैश इन अ मैनर दैट ई इज टू बी पेड ड्यूली एंड 22,000 रिमेन एज ए वर्किंग कैपिटल। मतलब आप बोलोगे सर क्लोजिंग कैपिटल 2,000 आपका रहना चाहिए। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले बाय बैलेंस BD, तो जो बैलेंस BD है वो है 8,000, यहाँ पे 5,000, यहाँ पे 2,000, वो हो गया। कैश लिख दो यहाँ पे 400। उसके बाद आप बोलोगे सर जनरल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट करते, वो आप बोलोगे सर जो है जनरल रिजर्व वो 2,000 है और रेशियो 4:3:3 है, तो आप बोलोगे सर जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 800, 600 एंड 600। सेम वे आप गुडविल को बोलोगे तो गुडविल जो है वो बैलेंस शीट में दी हुई है, तो ओल्ड रेशियो के हिसाब से 4:3:3, तो आप करोगे 400, 300 एंड 300 आ जाएगा। बच्चों इतना होने के बाद आप बोलोगे सर कैलकुलेशन पार्ट खत्म, अभी सम में नया रेशियो दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर न्यू रेशियो इज नॉट गिवन, सो वी हैव टू कंसीडर एज अ ओल्ड रेशियो, एज अ ओल्ड रेशियो एज अ गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो भी बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर, तो आगे चलते हैं, सबसे पहले गुडविल का हिसाब क्लियर करते हैं। गुडविल आप बोलोगे सर है 7,000, अभी आप बोलोगे जी शेयर कितना होगा सर 7,000 × जी का शेयर आप पता है जी जो है वो सबसे पहला जी नहीं है बच्चों, इस बार ई है, तो आप बोलोगे सर इसमें 4/10 होगा, तो आप बोलोगे सर सॉल्व करोगे जो है हमारा बच्चा 2,800 आ गया। अभी आप बोलोगे सर इनका ओल्ड रेशियो तो लिखो, तो हमें समझ में आए, तो 4:3:3 जिसमें से ये पर्सन जा रहा है तो बचेगा 3:3, मतलब 1:1 उनका गेनिंग रेशियो है, तो आप लिखोगे F कैपिटल अकाउंट डेबिट, G कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या करेंगे, तो आप बोलोगे सर वो होगा E कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अभी आप बोलोगे सर कितने अमाउंट से, तो बच्चों आप बोलोगे सर सिंपली 2,800 है, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 1,400 हो जाएगा। गुडविल का हिसाब बच्चा खत्म, एंट्री शुरू। अभी आप बोलोगे सर बहुत सिंपल होता है, ई में जाना है, क्रेडिट साइड पे जाना है, नाम लिखना क्या है 1,400 पहले तो लिख दो। अभी देखो तो यहाँ पे लिखेंगे F कैपिटल अकाउंट एंड बाय G कैपिटल अकाउंट, वो लिख देंगे। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर इसमें जाओ F एंड G में डेबिट साइड पे नाम लिखेंगे क्या, तो आप बोलोगे सर नाम लिखेंगे इस कैपिटल अकाउंट, बस ये ध्यान में रखना, और कोई बड़ी बात थी नहीं। पहले अच्छी तरह ये नोटबुक में लिख लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभी आगे चलते हैं बच्चों, तो सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग इज 7,000 एंड फर्नीचर इज 2,000 जो डिसाइड हुआ है। तो लैंड एंड बिल्डिंग पहले तो हम बच्चा इस बार वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं, कैलकुलेशन पार्ट के लिए जगह चाहिए, इसलिए
लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है वो बोल रहा है कि 7000 डिसाइड हो गई, मतलब 1000 डिसाइड ज़्यादा हुई है, असेट की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो यहाँ लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, जिसका 1000 हम लिखेंगे। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, और फर्नीचर जो है वो 3000 से 2000 हो गया, तो आप बोलोगे सर इनडायरेक्टली आप बोलोगे 1000 इसकी कम हो गई, तो इनडायरेक्टली आमने सामने कट ऑफ हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये जो क्या नाम था फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया जाएगा क्योंकि असेट की वैल्यू कम हो गई। इसके बाद स्टॉक इज ओवर वैल्यू बाय कितना 10%, तो आप बोलोगे सर स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है, तो मतलब कॉस्ट उनकी 100 थी लेकिन हमने 10% बढ़ा दिया तो 110% हो गया, ये बुक वैल्यू हो जाएगी। तो आप स्टैक करोगे 100, स्टेप रखोगे, बुक वैल्यू जब 110 थी तो कॉस्ट कितना था बच्चों 100, तो आप बोलोगे सर 6600 पे कितना, सॉल्व करोगे 60 यहाँ पे 110 यहाँ पे होगा 100 और यहाँ पे 6600 तो होगा 6000 उनकी वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन है कितनी, तो आप बोलोगे सर 6600, तो स्टॉक हम लिख देंगे यहाँ पे 6000 और असेट को कम किया तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय स्टॉक 600। क्लियर है बच्चों? जैसे ही पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ तो मेजोरिटी खत्म होने को आया एडजस्टमेंट, अभी खाली एक ही एडजस्टमेंट बाकी है, जो क्या बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि सर ई को इमीजिएटली 5000 पे कर दो, 5000 इज टू बी पेड इमीजिएटली एंड द बैलेंस इज बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। तो आप बोलोगे सर पे करते हैं ई को, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट और यहां पे लिखा जाएगा बाय ई कैपिटल अकाउंट, ई कैपिटल अकाउंट 5000। इसके साथ बच्चों ये पॉइंट भी खत्म। अभी आगे बोलते हैं तो क्या बोला है, बाकी का उनको ट्रांसफर करना है लोन अकाउंट में, कहां लोन अकाउंट में, तो बच्चों आप बोलोगे सर लोन अकाउंट लिखेंगे ई लोन अकाउंट, जो अभी आएगा तब हम डिसाइड करेंगे। F and G will bring necessary cash equal to proportion in the such a manner E will be paid due fully and 2000 remain as a working capital। बच्चों इस बार ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने कैपिटल जो रखनी है वो कौन से रेशियो में रखनी है, वर्किंग कैपिटल के रेशियो में रखना है, वो जो है उतनी अमाउंट लेके आएंगे उतना बोला है, वो नहीं बोला कि कैपिटल वो अभी इस बार न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे। तो आप बोलोगे सर वर्किंग कैपिटल तो हम यू ढूंढ लेंगे, वो वर्किंग कैपिटल आपको पता है, तो आप बोलोगे सर कितना क्लोजिंग बैलेंस रखना है, तो आप बोलोगे सर 2000 करना है, आप बोलोगे सर इसके बाद इसको कितना पेमेंट करना है, तो ई पेमेंट जो करना है वो 5000 है, टोटल आपको 7000 रखना है। उसके बाद बोलोगे ओपनिंग बैलेंस कितना है बच्चों, तो 400 है, तो आप बोलोगे सर 6600 है, तो आप बोलोगे सर हमें सब में पता हुआ है कि न्यू रेशियो जो है वो 1:1 मतलब 3:3 है, जिसको आप करोगे तो 1:1, तो ये 3300 दोनों को लाना पड़ेगा। यहाँ पे वो 2% मतलब जिसका नाम है एफ एंड जी, वो लेके आएंगे कितना बच्चों 3300 एंड 3300, तो यहाँ पे कैश लिखा जाएगा 3300 एंड 3300। आप बोलोगे सर तो यहाँ लिख देंगे एफ कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे लिखा जाएगा जी कैपिटल अकाउंट 3300 3300। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर मेजोरिटी सारे पॉइंट खत्म, आपको खाली बस वो लिख देना है कोई एसेट की वैल्यू लिखना बाकी है कि वो लिख देते, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर लिख देते, क्रेडिटर होगा 8000 2000, बिल्स पेबल यहाँ पे गुडविल तो खत्म, लैंड एंड बिल्डिंग भी खत्म, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखना बाकी है, तो आप बोलोगे वो सर होगा 3000। उसके बाद फर्नीचर जो बच्चों है वो है 3000, तो वो भी पेमेंट हो गया। डेटर की बात करते हैं बच्चों, वो 7000 पेमेंट होगा और कैश बैलेंस अभी तो मुझे पता है ये कितना आने वाला है, तो आप बोलोगे सर 2000 आएगा, करेंगे तब टैली भी कर लेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, लेकिन ये ध्यान में रखना है। इतना करने के बाद अभी बच्चों हम टोटल डिवैल्यूएशन करना शुरू करेंगे, तो टोटल वहां से शुरू करेंगे जिससे हमारा फटाफट आंसर आता जाएगा रिवैल्यूएशन से। इस बार आप देखोगे बच्चा
बच्चा एक ध्यान में रखना, रिवैल्यूएशन अकाउंट में स्टॉक जो था उसकी वैल्यू कम हुई इसलिए डेबिट हो जाएगा, वो ध्यान में रखना है। 1600 यहाँ पे जो होगा 600 जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 4:3:3 और ये कैपिटल लिखा जाएगा, कैपिटल बाय पार्टनर कैपिटल, जिसमें हम लिखेंगे ई एफ जी, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा 240 180 180। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे लिखा जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट 240 180 एंड 180। तो बच्चों अभी ई का सबसे पहले हिसाब क्लियर करता है, तो ई जो है वो उसका तो अभी समझ लो कि 11,600 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 11,600, ये सब कुछ माइनस करोगे, ई लोन 5,960 ये लोन में जाएगा। बच्चा ध्यान में रखना है ई लोन में जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे ई लोन अकाउंट कितना 5,960। यहाँ पे अभी बच्चों टोटल करेंगे तो यहाँ पे टोटल होगा 8,900 और यहाँ पे होगा 5,900। टोटल कराओ सेम टू सेम यहाँ 8,900 एंड 5,900, तो आप बोलोगे सर इसका होगा 7,020 और 4,020, जो होगा वो बैलेंस कैरिड डाउन लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? बैलेंस कैरिड डाउन, जो बैलेंस शीट में आ जाएगा यहाँ पे ई एंड एफ कैपिटल लिखा जाएगा बच्चों, तो वो 7,020 एंड 4,020 11,040। बच्चों इसके साथ आप बोलोगे सर यहाँ टोटल करना शुरू करोगे तो 7,000 होगा यहाँ पे 7,000 और बैलेंस कैरिड डाउन जो हो जाएगा 2,000, जो ऑलरेडी हमने तो पहले ही लिख दिया इस बार, क्योंकि आपको पता है वर्किंग कैपिटल जब भी बोले वो ध्यान में रखना है। जैसे ये होगा पॉइंट तो 27,000 यहाँ लिखा जाएगा, 27,000 यहाँ लिखा जाएगा और उसके साथ बच्चों हमारा सम खत्म हो जाएगा। इसमें खाली ध्यान इतना रखना था कि ये पॉइंट सिंपल था, खाली आपको फोकस उतना करना था कि इसमें कैपिटल इस बार प्रोपोर्शनेट में नहीं रखनी है। क्या रखना है बच्चों? आप बोलोगे साली बस वर्किंग कैपिटल का कैलकुलेशन जो खाली इंपॉर्टेंट था वो ध्यान में रखना है। बच्चों शांति से नोटबुक में लिख लो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और प्रैक्टिस के लिए सम भी जरूर करना। मिलते हैं अब नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।